ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि सवाल कठिन होगा। कैलकुलेशन कभी कभी ऐसा होता है बहुत बड़े सवाल की बहुत छोटी सी होती है और बहुत छोटा सा सवाल बहुत ज़्यादा टाइम के लिए जाता है। सवाल को कभी इस तरीके से जब किया ये सवाल बहुत कम पाएंगे कोई तरीका ही उस तरीके से जैसे आप बहुत से एग्जाम ऐसे देखिए इतने इतने लेंथ के सवाल आए हुए ना और जिनका सोल्यूशन दो दो लाइन का था। आपसे कहा यह है कि भरने वाला एक पाइप है जो ड्रम को 40 मिनट में भर लेगा, ठीक है, भरने वाला पाइप है कोई दिक्कत नहीं, हम इसको इनलेट आई से रिप्रेजेंट करते हैं, भरने वाला है हमने आई से बोल रहे हैं कि ये जो पाइप है इस ड्रम को कितने मिनट में भरेगा। एक खाली करने वाला आउटलेट पाइप बोलते हैं इसको, तो ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भरने वाला है और ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं ये प्लस वाला है और ये प्लस का मतलब ये भरेगा और ये क्या करेगा खर्च करेगा उसमें से, ठीक है। तो ये भरने वाला जो पाइप था ये 40 मिनट का और खाली करने वाला एक घंटा, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं। तो अब आप सबसे पहले जिस टैंक की या ड्रम की बात हो रही है उसकी क्षमता लेते हैं, 40 और 60 के एलसीएम कितना आएगा 120। तो हम ये मान ले रहे हैं कि जो ड्रम है ना वो कितने लीटर का है 120 लीटर का। ये ड्रम की कैपेसिटी है, ड्रम कितने लीटर का है। अब आप अपने आप से मैथ की जगह केवल इतना सोच के देखो, 40 मिनट में 120 लीटर अगर ड्रम भर सकता है तो एक मिनट में कितना भरेगा, एक मिनट में कितना भरेगा 60 मिनट में 120 का मतलब दो, एक मिनट में दो, लेकिन ये खाली कर रहा है तो इसकी क्षमता माइनस में और इसकी क्षमता बस ये दिखा रहा है, ये माइनस में वर्क कर रहा है ये प्लस, मतलब आप ये समझो ये जमा कर रहा है और ये खर्च कर रहा है, खर्च करेगा तो माइनस होगा जमा करेगा तो। अब आगे सवाल में क्या है, ड्रम का 2/3 भाग भरा हुआ था, ड्रम तो ये है, इस ड्रम की बात हो रही है, ड्रम का कितना भाग भरा हुआ है 2/3। तो 120 लीटर का अगर ड्रम है तो 2/3 भाग इसका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि ड्रम इस वक्त कितने लीटर तक भरा हुआ है, पूरा तो नहीं भरा हुआ है ना, कुछ हिस्सा तो खाली भी है, 80 लीटर भरा हुआ है तो खाली कितना है 40 लीटर, ये तो खाली होगा 80 लीटर अगर भरा हुआ है ड्रम तो खाली कितना होगा, बचा हुआ खाली होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ड्रम में 80 लीटर तो अभी जो भी लिक्विड है वो भरा हुआ, बाकी जो 40 लीटर वो हिस्सा खाली, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने, कहा 15 मिनट के बाद सॉरी खाली करने वाले पाइप को खोल दिया। अच्छा पाइप खाली करने वाला जब खोला जाएगा तो जितना हिस्सा ये खाली है इससे क्या मतलब, जो भरा हुआ उसी में से तो कम होगा। अरे खाली करने वाला हिस्सा, अगर खाली करने वाला पाइप में अगर खोलूंगा खर्च करने वाला, खर्च किस में से करोगे, जितना जमा होगा भाई, पानी इसमें कितने लीटर है 80 लीटर, तो ये 80 लीटर खर्च होना शुरू हो जाएगा। इस 40 लीटर से कोई फर्क पड़ेगा, तो इसकी कोई जरूरत थी, मैं आपको बता भी चुका हूँ जब आप खाली करेंगे खर्च करेंगे तो जितना जमा है उसमें से, जब आपको जमा करना है भरना है किसी चीज को जितना हिस्सा खाली है, जैसे कोई 50 लीटर का आप एक टैंक लेंगे 40 लीटर पहले भरा हुआ है तो आपसे कोई कह रहे इस टैंक को भर दो, कितने लीटर पानी जमा करोगे, जितना 10 लीटर खाली बचा उसी को तो भरने की जरूरत होगी ना। तो अब आप यहाँ से देखिए खाली करने वाला जो पाइप है वो कितने मिनट के लिए खोल दिया, तो आप देखिए खाली करने वाले की क्षमता है, आउटलेट पाइप खोला, आउटलेट पाइप खोला है और वो भी कितने मिनट के लिए 15 मिनट के लिए। तो आपको पता है एक मिनट में ये कितना 2 यूनिट कम करता है, तो 15 मिनट तक अगर आप इसको चलाएंगे तो कितने लीटर 30 लीटर कम हो जाएगा जो जमा है उसमें से। तो यहाँ 80 लीटर जमा था, इसमें से 30 लीटर क्या हो गया, अब टैंक में यानी कि ड्रम में केवल कितने लीटर जमा हुआ, अब सिर्फ 50 लीटर ही तो जमा है, 50 लीटर जमा है तो खाली कितना होगा, बचा हुआ 70 लीटर खाली, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है कि 50 लीटर 120 लीटर का अगर कोई टैंक है 50 लीटर भरा हुआ है तो 70 लीटर ही तो खाली बचेगा उसमें, ठीक है। इसके बाद क्या किया कि 15 मिनट के बाद इसको क्या कर दिया, खत्म इसका रोल, 15 मिनट में इसने 30 लीटर पानी इसमें से जमा में से खर्च कर लिया, 50 लीटर बचा। अब इसके बाद क्या हुआ कि भरने वाले पाइप को खोल दिया, इसके बाद क्या किया इन्होंने इनलेट पाइप को खोल दिया। अब खोल तो दिया लेकिन ये थोड़ा ना बताया कितने समय के लिए खोला है, इन्होंने ये कहा अब ये बताओ कितने समय में भर सकता है इनलेट पाइप, भरने वाला पाइप ड्रम भरने में कितना समय लेगा, यही तो पूछा गया है इनलेट पाइप के द्वारा ड्रम को भरने में कितना समय लगेगा ये पूछा है। तो
आप बताओ कि अभी 50 लीटर पानी भरा हुआ है और 70 लीटर खाली है, आपको अगर ये पूरा ड्रम भरना है कितने लीटर जमा करने की जरूरत है? जितना खाली होगा, खाली कितना है भाई? तो आपको केवल 70 लीटर इसमें फिल करना है, क्योंकि 50 लीटर तो ऑलरेडी जमा है इसमें, केवल 70 लीटर की जरूरत है। 70 लीटर पानी आप इसमें जमा कर दो, ड्रम पूरा भर जाएगा। जमा कौन कर रहा है भाई? हमारा इनलेट पाइप भरने वाला, और भरने वाले की क्षमता कितनी है हमारी? तीन। तो एक मिनट में 3 लीटर पानी जमा हो रहा है। 70 लीटर जमा करोगे तो 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 23 सही 1/3 मिनट का समय लगेगा इस पूरे ड्रम को भरने में कम। फिर से आप समझ लो कि बस हुआ ये था कि 2/3 भाग पहले ही भरा हुआ था, 2/3 भाग का मतलब क्या हो गया? 80 लीटर। उसके बाद इन्होंने क्या किया, खाली करने वाला पाइप 15 मिनट खोल दिया, तो खाली करने वाला पाइप 1 मिनट में 2 लीटर खाली कर रहा है, 15 मिनट में कितना खाली करेगा? 30 लीटर खाली कर दिया, तो बचा कितना? 50। अब कितना खाली है? 70 लीटर। अगर आपको ये ड्रम भरना है तो 70 लीटर पानी जमा करना होगा, भरने वाला पाइप खोल दिया, लेकिन एक चीज याद रखना, इसको बंद कर दिया साथ में। ऐसा भी हो सकता था कि इसको बंद किए बिना इस भरने वाले पाइप को खोल देते, तो भरने वाला पाइप 3 लीटर जमा करता, खाली करने वाला 2 लीटर कम करता, तो एक तरफ से 3 जमा हो रहा है, दूसरी तरफ से 2 खर्च हो रहा है, फिर जमा कितना हो पाता? 1। लेकिन हमने क्या किया, जो खाली करने वाला पाइप था उसको तो बंद ही कर दिया, सिर्फ भरने वाला पाइप चलाया, और 70 लीटर पानी भरने में हमें 3 की क्षमता के हिसाब से कितना मिलेगा? अब ये बहुत बार बता चुके हैं इसलिए मैं नहीं लेता हूँ। जब भी टाइम निकालना होता है तो वर्क को हम लोग किससे डिवाइड करते हैं? वर्क है हमारे पास 70 लीटर, इफिशियंसी कितनी आ रही है? 3। देखो उस बात को, कल ए और बी इसी टैंक को 30 मिनट और 40 मिनट में भर लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं भाई, नल ए है और दूसरा नल क्या है, ये वाला 30 मिनट में इसी टैंक को भरता होगा, और बी वाला जो नल है कितने मिनट में भरता है? अब ये क्या बोल रहे हैं, बोले दोनों नल एक साथ खोलते नहीं, मतलब तली में रिसाव होने के कारण, मैं एक सवाल उसमें भी मिस हो गया था सही क्लास वाली क्लास में, रिसाव का मतलब होता है, आप इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, लीकेज। हम लोग बोलते हैं पानी रिस रहा है, यहाँ से जहाँ पे लीक होता है वहीं से तो पानी रिसाव होता है, तो रिसाव का मतलब कुछ भी जहाँ से पानी लीक हो रहा है, पानी धीरे धीरे वहां से कम हो रहा है। अच्छा, लीकेज किसका काम करेगा, इनलेट पाइप का या आउटलेट? क्योंकि पानी जमा तो करेगा नहीं, लीकेज पानी क्या करेगा? दूसरी चीज ये लोग मेंशन कर देते हैं कि तली में छेद है या तली में लीकेज है, तो जब तली में लीकेज होगा तो जाहिर सी बात है कि पानी क्या होगा। अब ऐसा तो हो सकता है कि छत पे लीकेज होगा, उसके तली पे ना होगा, छत पे अगर लीकेज होगा, टॉप पे लीकेज होगा, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन वो खुद ही लिख देते हैं कि जो लीकेज है वो कहाँ पे है, तली। तो अब अगर ये दोनों नल एक साथ चला दिए जाए, ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी को एक साथ चलाते तो यही से बता देते कितने समय में आप इसको भर पाएंगे, लेकिन आप बता रहे हो कि इसके साथ में एक लीकेज भी है, और लीकेज क्या करेगा, लीकेज करेगा आउटलेट पाइप का काम, यानी कि पानी कम कर रहा है, जिसकी वजह से इस टैंक को भरने में कुल कितने घंटे लगे? 1 घंटा। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। टैंक को भरने में समय अब ज्यादा लग रहा है, जिसकी वजह से लीकेज, इनका जितना जमा हो रहा होगा ये कुछ खाली कर देता होगा, है ना। तो अब आप 60 और 40 और 30 इन तीनों का एलसीएम ले लो, जिससे कि हम टैंक की क्षमता मान लें, कितना आ जाएगा? 120 लीटर। ये जो टैंक है ना, इसकी कहानी खत्म करो, ये 120 लीटर का ही मान लिया। अगर 30 मिनट में भरेगा तो 1 मिनट में कितने लीटर भरेगा? 40 मिनट में भरेगा तो 1 मिनट में कितना भरेगा? 3। लेकिन भरा कितने मिनट में गया? 60 मिनट में। तो 60 मिनट में जमा हो रहा है, इसका मतलब 1 मिनट में कितना? देखो एक चीज का हमेशा ध्यान, जब ये तीनों एक साथ में आपने चलाए लीकेज और दोनों नल, तो पानी जमा हो रहा था या फिर कम हो रहा था? क्योंकि आपको ये वाली लाइन बताएगी, जब ये तीनों नल एक साथ चला दिए तो आपने कहा कि टैंक भर गया, पर टैंक भरेगा तब जब क्षमता प्लस की। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि आपसे बोला गया तीनों को एक साथ चलाने के बाद भी टैंक भर गया, अगर टैंक इनके द्वारा भर गया तो इसका मतलब इनकी क्षमता जो होगी वो किसमें होगी? अगर तीनों को चलाने के बाद टैंक खाली हो जाता फिर क्षमता होती माइनस में, इन तीनों की मिला के। अब ऐसा कोई जरूरी थोड़े ना, अब आप सोचो भरने वाला पाइप 5 लीटर जमा कर रहा है, खाली करने वाला 3 लीटर खाली कर रहा है, तो आपकी क्षमता प्लस में आएगी, और प्लस में इसका मतलब टैंक भरा रहेगा। अब अगर भरने वाला नल केवल 3 लीटर जमा करता हो और खाली करने वाला 5 लीटर, तो आपकी क्षमता माइनस माइनस दो का मतलब अगर टैंक में पानी है तो वो भी अब कम हो जाएगा। तो अभी तो आप देख लो कि अगर टैंक भरा जा रहा है तीनों के द्वारा, तो क्षमता किस में आएगी? मैंने यहाँ पर लिख दिया ए प्लस बी, पहले ऐसे ही समझ लो, और जो लीकेज है
इन तीनों की क्षमता प्लस में है, कितनी है? ए और बी की क्षमता यहाँ से देख लो, चार प्लस तीन कितनी होगी? ये चार इसकी है, तीन इसकी है। अगर हम बात करें लीकेज की, तो लीकेज की क्षमता देखिए, चार और तीन सात होता है, और सात को उधर ले जाके दो में से घटाएंगे, और दो में से सात घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का पांच। अब देखो लीकेज है तो क्षमता तो माइनस में आनी ही चाहिए, तो लीकेज की क्षमता कितनी आ रही? इसका मतलब लीकेज के द्वारा हर मिनट पर 5 लीटर पानी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, आपसे कहा गया कि ये जो लीकेज है, ये जो लीकेज है कितना टाइम लेगा? अकेले अगर इसको चलाते हैं कितना टैंक भरा हुआ हो? 2/3। अगर 2/3 भाग टैंक भरा हो तो रिसाव के द्वारा टैंक खाली होने में कितना समय? पूरा टैंक थोड़े ना भरा हुआ है, सिर्फ कितना है? 2/3। जरा आप इसका 2/3 बता सकते हैं? 120 लीटर का 2/3 अगर आप निकालेंगे तो कितना लीटर आ जाएगा? तो आपको पूरा टैंक नहीं खाली करना है, आपको सिर्फ कितने लीटर खाली करना है? पूरा टैंक भरा होगा तो पूरे के बारे में सोचते हैं, एक मिनट में कितने लीटर खाली कर रहा है? 5। तो इसकी क्षमता ही 5 है, तो 5 से 80 को डिवाइड करेंगे, इसका मतलब इस 80 लीटर को खाली करने में इसको जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 16। एक और तरीका, अगर ये सब आप रफ वर्क नहीं करना चाहते तो आप सोच सकते हैं, देखो 4 लीटर ये बनता है और 3 लीटर, तो 4 प्लस 3 कितने लीटर भरा जाना चाहिए? लेकिन भरा कितना जा रहा है? आप ये समझो एक व्यक्ति 4 रुपए कमा रहा है, 3 रुपए जमा, तो टोटल मिला के 7 रुपए की इनकम होनी चाहिए, इनकम कितनी हुई? कितना घट गया? 7 की जगह सिर्फ 2 ही जमा होगा तो घट कितना गया? 5। कम किसने किया होगा? लीकेज। इसका मतलब लीकेज का काम क्या है? ये 5 माइनस कर देता है, ये दोनों जमा करते हैं 7 और लीकेज 5 क्या कर देता है? माइनस कर देता है। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो जमा सिर्फ कितना होगा? इससे क्या होगा कि आपको लिखने वाला जो पार्ट है ये बच जाएगा। इसको करते हैं, दो पाइप ए और बी, एक टंकी को 45 और 60 मिनट में, एक ए है और दूसरा एक 45 मिनट में और दूसरा 60 मिनट में, लेकिन इन्होंने कहा है कि एक ए और बी के साथ एक निकास नल, निकास नल बोलते हैं आउटलेट, आउटलेट पाइप सी बोल दिया गया, तो ए और बी के साथ में एक और भी पाइप है जिसका नाम है सी। जब इन तीनों को खोल दिया गया तो भरी हुई टंकी 90 मिनट में क्या हो गई? इसको अंडरलाइन कर लेना, यही बस गलती होती है। यहाँ पर आप देखो भरी जा रही थी टंकी तीनों के द्वारा, और यहाँ पर टंकी क्या हो रही है? कितने मिनट में? इस बार टंकी भरी नहीं गई, टंकी तो 90 मिनट में क्या हो गई? तो आप जरा 45, 60 और 90 का एलसीएम सोच पाओगे? अच्छा चलो थोड़ा सा आपको हेल्प करते हैं, बड़ा डेटा होता है तो शायद आप एलसीएम कुछ लोग नहीं ले पाते। आपको सबसे बड़ा नंबर इनका कौन सा लग रहा है? 90 का डबल कर लोगे? बड़े नंबर से इनको कटना चाहिए ना, तो 90 से कटने वाली एक तो संख्या 90 ही, 90 45 से तो कट जाएगा लेकिन 60 से नहीं, तो 90 का दोगुना करके देखो कितना आएगा, 180 तो 60 से कट जाएगा, 45 तो पहले ही कट रही थी संख्या। अब जैसे यहाँ पर भी आपने कहा सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 60 हमारा 30 से कट रहा है लेकिन 40 से नहीं कट रहा है, तो हमने क्या किया 60 का डबल किया 120 हमारा 40 से भी कट गया। ठीक है, 180 लीटर का हमारा ये टैंक रहा होगा। अब जरा क्षमता देखते हैं, 45 मिनट में अगर ये 180 लीटर, तो इसकी क्षमता कितनी आएगी? 60 से 180 को भाग करेंगे तो एक की क्षमता प्लस 4 और एक की क्षमता, क्योंकि आपको बताया गया है ये दोनों नल जो है टैंक को क्या कर रहे हैं, आप देखो यहाँ पर टैंक क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं, तो क्षमता किसमें होगी? जब ये तीनों चलाए गए साथ में, अगर इन तीनों की बात करें, इन तीनों को एक साथ में चलाता हूँ तो 90 मिनट में टैंक हो गया खाली। तो आप इतना समझ लो इन तीनों की अगर इफिशियंसी की बात करें तो कैसी रहेगी? क्योंकि टैंक खाली तभी होगा जब इफिशियंसी नेगेटिव होगी, यहाँ पर तो इफिशियंसी पॉजिटिव है तभी तो टैंक भर गया, तो यहाँ पर इफिशियंसी होनी चाहिए कैसी? नेगेटिव। तो 90 मिनट में 180 लीटर टैंक खाली रख गया आपने, इसका मतलब आपकी इफिशियंसी कितनी है? 90 मिनट में 180 लीटर अगर खर्च कर लिया है तो फिर एक मिनट में कितना खर्च हुआ? और ये अकेले का काम नहीं है, इन तीनों ने मिला के किया है। तो अगर आप यहाँ से लिख के निकालना चाहे एफिशिएंसी, तो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? अब यहाँ पर देखो ए प्लस बी और प्लस लीकेज की एफिशिएंसी प्लस दो लिखो, क्योंकि यहाँ टैंक भर रहा था तीनों के साथ, यहाँ टैंक क्या हो रहा है? खाली। ए और बी की क्षमता आप मुझे बता दो कितनी है? 4 प्लस 3 7 प्लस सी बराबर माइनस का, तो सी की वैल्यू निकाल लिया, तो ये 7 उधर जाके माइनस ही तो हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस का 7 मिलके एफिशिएंसी आ गई कितनी?
तो C की जो efficiency है actual में कितनी है? Direct निकालो ये. देखो चार इसकी क्षमता है और तीन इसकी. चार plus तीन कितना? सात. अगर मैं A और B को साथ में चलाता तो जमा हो रहा होता कितना? सात. लेकिन जमा होने की जगह ये तो खाली हो गया कितना? यानी कि जितना ये जमा कर रहा है वो भी चला गया और ऊपर से माइनस में भी. आप कुछ सोचो जरा, प्लस सात है और माइनस दो पे पहुंच गए, कितना खर्च करोगे आप? ओवर खर्च करोगे तभी तो माइनस में पहुंचोगे. यानी कि सात की जगह दो ओवर खर्च कर लिया आपने, तो आपने खर्च कितना किया? और ये खर्च करने वाला और कोई नहीं है, ये जो निकास नल्स ये यही तो है. आप चाहे लिख के निकालोगे तब भी माइनस में आएगा, थोड़ा सोच पा रहे हो तो भी आएगा. ठीक है, तो जैसे आपको ठीक लगे. प्लस सात होनी चाहिए थी क्षमता इन दोनों की, लेकिन इसको साथ में जोड़ लिया तो हो गए माइनस में. और माइनस दो हो गया सात की जगह, तो इसका मतलब सात जो आपने जमा किया वो खर्च हो गया और ऊपर से माइनस दो का अंतर दो ओवर हो गया खर्च. चलो आपने क्षमता निकाली सी की. आपसे कह रहा है सी कितने टाइम में इस भरे हुए टैंक को खाली कर देगा. तो भरे हुए टैंक को खाली करने के लिए कितने लीटर खाली करना होगा? अरे टैंक कितने लीटर का है? 180 लीटर खाली करोगे ना. क्षमता कितनी है तुम्हारी? तो अगर हमारी क्षमता 9 है और 180 लीटर खाली करना है तो सिर्फ कितना टाइम लगा? 20.
मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ, ठीक है? इसे यहाँ पर कितने मिनट लगे? अगर ये दोनों नल एक साथ अगर कर रहे होते तो कुछ तो टाइम लगता, लीकेज की वजह से टाइम एक्स्ट्रा लगा होगा। कई बार यहाँ पर ये लिखते थे कि तीनों को साथ चलाते तो इतना टाइम एक्स्ट्रा लगा होगा। जैसे इसमें तो थोड़ा डेटा ठीक नहीं आ रहा, ज़्यादा के साथ से डिवाइड करेंगे तो हम एक सवाल करा देंगे, अभी तक उसमें नहीं हो पाएगा।
पाइप या नल के बारे में बताया जाएगा कि कितने मिनट में इतने लीटर पानी जमा करता है या फिर इतने मिनट में इतने लीटर पानी से निकलता रहता होगा। जब एक चीज आपसे पूछते हैं, सब नहीं सुना होगा, सुना होगा, जानते क्या होता है, सबने सुना होने का मतलब जो लोग नहीं पढ़ाई करता उन्होंने भी सुना है ना, व्यवहारिक सी चीज़ है। कोई बता सकता है लीटर क्या होता है? आपने की इकाई होती है, यूनिट होती है, वो मैं समझ गया, कितना होता है एक लीटर? वो एक वो तो होगा क्राइटेरिया कि इतनी वैल्यू को या इतनी क्वांटिटी को एक लीटर है, अरे वो तो वही बात हुई है। तो मेरा मतलब ये है कि एक लीटर कैसे डिसाइड करते हो कि ये एक लीटर हो गया? जो मात्रक बने हुए लीटर आता है नापने के लिए आता है लीटर, तो उसमें आप चाहे कोई भी लिक्विड डालते तो पूरा फुल हो जाएगा, तो हम कहते हैं एक लीटर हो गया। उसको उसका वैल्यू होगा, किसी ने तो वो डिसाइड किया होगा इतना वैल्यू है तो एक लीटर होगा। जैसे वजन है तो वो किसी ने तो फिक्स किया एक किलोग्राम इतने वजन को कह के, होता पता है इतनी बात सुन, वन क्यूबिक मीटर होता है, इसका मतलब होता है एक घन से घन मीटर, एक घन मीटर जो वैल्यू होती ना वो 1000 लीटर के बराबर होती है। या ऐसे समझ लो एक मीटर का एक बॉक्स बना लो क्यूब का, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर, एक ऐसा बॉक्स बना लो जिसकी लंबाई भी एक मीटर हो, चौड़ाई भी एक मीटर हो, ऊंचाई भी कितनी हो, एक मीटर, तो वो एक क्यूबिक मीटर का बॉक्स बन गया। उसमें अगर आप कोई लिक्विड डालेंगे वो कितने लीटर होगा? 1000। 1000 टुकड़ों में अगर बराबर बराबर डिवाइड कर देंगे तो 1 लीटर भी आता है, ठीक है। और चलो यहाँ पर एक निकास नल एक टंकी को 12 घंटे में खाली कर पा रहा है, और इसके बाद हो गया एक नल चलाया गया जो 20 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। दोनों नलों को एक साथ चलाने पर कौन सा, एक निकास नल और एक ये वाला, तो फिर टंकी जो है वो कितने घंटे में खाली हो जाती है? अब आप खुद समझो, निकास नल जो भी है इसका नाम कुछ भी देते हैं, चलो निकास नल का नाम हमने क्या दे दिया, ये निकास नल का हमने नाम क्या दे दिया, ध्यान रखना निकास नल का नाम हमने ए दिया है। कितने घंटे में? 12 घंटे में खाली करते हैं। जब दोनों को साथ में ए को और दूसरा नल कौन सा, एक और भी तो नल चलाया गया, ये जो एक दूसरा नल चलाया गया इसका नाम हमने क्या रख लिया, जब दोनों नल को साथ में चलाया जाए ए और बी, सवाल में नहीं आंसर अपनी तरफ से मानोगे ए बी फर्स्ट सेकंड उसको मानोगे तो कितने घंटे लग रहे हैं। लेकिन एक चीज समझ लो, यहाँ भी टंकी क्या हो रही और यहाँ भी टंकी क्या हो रही, यानी कि दोनों ही केस में क्षमता माइनस में आएगी, यहाँ भी माइनस में आएगी और यहाँ भी क्षमता खाली होने का एक ही रीजन है कि आपकी एफिशिएंसी माइनस में है। अब 20 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? टंकी तो हमने 60 लीटर की मान ली, 12 से डिवाइड करेंगे क्षमता कितनी आएगी और 20 से डिवाइड करेंगे तो पहले -5 थी क्षमता, जब इसको चलाया तो कितनी हो गई, घट कैसे गई, -5 से -3 कैसे हो गई, क्योंकि ये वाला जो नल है ना बी, जो दूसरा वाला नल, ये पानी क्या कर रहा है, जमा कर रहा है, तो जमा करेगा उसको फर्क पड़ेगा। अब आप चाहे तो डायरेक्ट निकालो वरना आप लिख लो ए प्लस बी की जो क्षमता है वो माइनस में कितनी है और ए की क्षमता कितनी है माइनस में, तो बी की चाहिए, ये माइनस का 5 उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, -5 को इधर लेके आएंगे +5 और -3, यानी बी की जो क्षमता है वो कितनी और बी की क्षमता प्लस में होनी चाहिए क्या, क्योंकि बी क्या कर रहा है पानी भरता है, अगर पानी भर रहा है तो क्षमता भी प्लस में आएगी, यहाँ पर क्षमता कितनी आ रही प्लस में। अब चाहे तो डायरेक्ट लगा लो भाई, -5 थी -3 होगी, इसका मतलब 2 जमा हो गया, तभी तो क्षमता -5 से -3 होगी, और 2 जमा किसने किया होगा बी। अब आप खुद सोचो कि अगर मैं आपसे कहूँ बी क्या है टंकी, बी टंकी को भरेगा तो कितना समय लेगा, समय निकालते हैं वर्क अपॉन एफिशिएंसी, कितने लीटर की है टंकी और इसकी क्षमता कितनी है बी की, तो इसका मतलब कुल मिला के इसको कितना लगेगा, पूरा भरने में इस टंकी को 30 घंटे लगेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। आपको पता है कि एक मिनट में कितने लीटर, 20 लीटर। बी का एक और भी रोल बताया इन्होंने, कहा है कि जो बी है प्रति मिनट का मतलब एक मिनट में कितने लीटर, 20 लीटर, तो पहले तो टाइम मिनट में होना चाहिए, ये किसमें आया है घंटे में, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो इसका मतलब अगर मिनट में लिखना चाहें तो ये वैल्यू हमारी कितने मिनट होगी, 1800। अब आप क्षमता निकाल सकते हैं,
टंकी की क्षमता निकालने के लिए केवल इतनी चीज देखनी है। भाई देखो बी का कहना है कि हम 1800 मिनट में पूरी टंकी भर देंगे और एक मिनट में कितने लीटर पानी भरता है। तो अगर 1800 मिनट में आप सीधे सीधे समझ 1800 मिनट में टंकी पूरी भर दी हमने और एक मिनट में हमने कितने लीटर पानी जमा किया था 20 लीटर। अगर 20 लीटर को 1800 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता लग जाएगा 18 × 2 कितना हो जाएगा 36 और 3 0। इसका मतलब टंकी कितने लीटर की है 36,000 लीटर की। अरे एक मिनट में 20 लीटर पानी जमा कर दो आप तो 1800 मिनट में कितने लीटर पानी जमा हो जाएगा 36,000 लीटर। 36,000 लीटर का मतलब टंकी पूरी भर चुकी है। टंकी में पानी कितने लीटर पहुंचा है 36,000। ये 3 होगा। नल ए और बी किसी टंकी को 30 और 20 मिनट में क्या करते हैं भरते हैं। देखो ए भरने वाला है और बी क्या कर रहा है भरने वाला है, एक 30 घंटे में और दूसरा वाला 20। ये बनाते जाए जिससे कि आप ध्यान रखें, अगर भरने वाला तो क्षमता किसमें है, किसने भी टंकी को भरा है तो क्षमता किसमें रहेगी। अब एक तीसरा पाइप है जिसके द्वारा पानी बाहर निकलता है 45 लीटर प्रति मिनट की दर से, यानी एक मिनट में कितने लीटर पानी बाहर निकल रहा है। तो अगर ये पता कर ले तीसरा पाइप उस टंकी को कितने समय में खाली कर पाएगा तो 45 लीटर के हिसाब से जोड़ लेंगे कितना पानी बाहर निकल चुका है। जितना पानी बाहर निकला होगा उतना ही क्या होगा उस टंकी की क्षमता होगी। तो अब तीसरे पाइप के बारे में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं तीनों को साथ में चलाएंगे ए प्लस बी प्लस। अगर तीनों को साथ में चलाएंगे तो टंकी क्या हो रही है 15 घंटे में भर जाएगी। कितने घंटे में भरी जाएगी, अगर टंकी भरी जा रही है तो क्षमता किसमें आएगी, तो 30, 20 और 15 का एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं लीटर नहीं लिखूं गड़बड़ हो जाएगा, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। आप यहाँ पर लिख लो 60 लीटर, वरना आप समझोगे टंकी ही 60 लीटर की है। 60 लीटर की नहीं, हम मानते हैं अपनी तरफ से क्षमता निकालने के लिए, टाइम निकालने के लिए मानते हैं, एक्चुअल बात अलग होती है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि जो टंकी 60 यूनिट की है कितने की है 60 यूनिट। तो 30 घंटे में एक घंटे में कितना हो जाएगा, अगर 20 से 60 को डिवाइड करेंगे तो एक घंटे में कितना आएगा और 15 से 60 को डिवाइड करेंगे तो क्षमता सी की डायरेक्ट निकालो जल्दी बताओ। अच्छा ए और बी कितना जमा कर सकते हैं, 2 ये करेगा 3 ये करेगा, ए और बी कितना जमा कर रहे हैं, हुआ कितना जमा, वेरिएशन कितना आया, एक का आया, वेरिएशन का मतलब अंतर कितना आया, एक का आया, 5 जमा होना चाहिए था, जमा सिर्फ कितना हुआ, इसका मतलब सी कितना खर्च कर रहा है, जहां पर 5 जमा होना चाहिए तो वहां सिर्फ 4 ही जमा हो पाया है, मतलब सी का खर्चा कितना है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल, चाहे तो लिख के हमने पीछे भी 2 सवाल किए जैसे यहाँ पर किए, आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख के आपको अगर करना हो तो कर लीजिएगा। सी की क्षमता कितनी आ रही है, तो अब जरा बता दो सी के बारे में, अगर मैं आपसे कहूँ सी टंकी को, अब क्षमता माइनस में है तो खाली करेगा ना, टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। भाई देखो समय निकालने के लिए हमेशा ध्यान रखो काम कितना है 60 यूनिट, कितना काम है और क्षमता कितनी है आपकी, तो एक के हिसाब से 60 यूनिट काम करने में 60 ही घंटे लगे, कुल कितने घंटे लगे 60 घंटे। ये समय आया है, आपको बताया ये गया है कि एक मिनट में कितने लीटर 45 लीटर, तो 60 घंटे में कितने मिनट हो गए 60 × 60, एक घंटे में तो 60 ही होते, तो आपके मिनट की संख्या की अगर हम बात करें तो कितने मिनट आ गए 36। अगर हम मिनट की बात करें तो मिनट कितने हो गए 36। अब लीटर में कैसे बदलोगे, ये तो बता ही दिया कि सी के द्वारा एक मिनट में कितने लीटर पानी खाली किया जाता है 45 लीटर, एक मिनट में कितने लीटर। अब सी ने बोला ये है कि मैं 3600 मिनट में पूरा टैंक खाली कर दूंगा, तो जितनी टैंक की क्षमता होगी उतना ही तो पानी होगा उसमें, तो 3600 मिनट में कितने लीटर पानी खाली हो जाएगा आपको निकालना ये था 3600 मिनट में, तो 3600 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 45 से। आप सॉल्व कर लो 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 24, 24 × 15 39 39 42 42, 3 × 4 = 12 12 = 16, देख लेना सही नहीं है, मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आया, 1,65,000 लीटर टंकी की क्षमता आ गई। ज्यादा बहुत ज्यादा सवाल मतलब ये आते नहीं, प्रीवे में तो नहीं ज्यादा होते, मेंस में ही आते। अल्टरनेटिव वाले सवाल वर्किंग टाइम में तो किए थे, वैसे ही लगता है पैटर्न,
लेकिन दिक्कत वहां होती है जब एक भरने वाला हो और दूसरा खाली करने वाला नल हो, दिक्कत होती है वहां पर। भरने वाला और खाली करने वाला जब नल होता है तो समस्या होती है, क्योंकि एक की क्षमता प्लस में होती है और एक की क्षमता माइनस में। तो अब अगर आपसे ये कहो कि नल किसी टंकी को 12 मिनट में, कौन सा नल कितने मिनट में भर पा रहा है, बी कितने समय में, लेकिन ये 20 मिनट में भर नहीं रहा है, खाली कर रहा है, तो इसकी क्षमता माइनस में और इसकी क्षमता कितना आएगा एलसीएम, 12 और 20 का एलसीएम आएगा कितना, 60। आप ये मान लो कि 60 यूनिट या 60 लीटर आपको जमा करना है, तो 12 मिनट में 60 जमा करने का मतलब 1 मिनट में कितना होगा, 5। अगर 20 मिनट में 60 तो 1 मिनट में कितना, 3। लेकिन ये खर्च कर रहा है और ये क्या कर रहा है, जमा कर रहा है। अब यहां पानी की बात हो रही है, पानी एक खर्च कर रहा है और एक जमा कर रहा है। आपका टारगेट है कि आपसे क्या कह रहा है कि 1-1 मिनट करके चलाएंगे, पहले ए से शुरुआत कराएंगे, फिर 1 मिनट ए चलेगा, फिर 1 मिनट, और आपसे ये कहा गया कि पूरी टंकी को कितने समय में भर दिया जाएगा, यानी टारगेट क्या है, 60 लीटर। इस 60 लीटर पानी को टंकी खाली होगी, उस टंकी में 60 लीटर पानी जमा कर रहा है। प्रक्रिया ये रहेगी, पहले कौन चलेगा, ए। अच्छा, ए को सिर्फ 1 मिनट ही तो चला सकते हैं, इससे ज्यादा थोड़े ना चला सकते हैं। 1 मिनट चलाने का मतलब ये हो गया, ए के द्वारा कितने लीटर पानी जमा होगा, 5 लीटर, ठीक। 1 मिनट पूरा हो गया, ए को बंद कर दिया जाएगा। अगली बार इसकी बारी आएगी, बी क्या करेगा, 3 लीटर पानी खर्च करेगा क्योंकि ये खाली कर रहा है। अब आप ये बताइए, ये प्रक्रिया बार बार दोहरानी ही तो है आपको, इसी प्रक्रिया को रिपीट करना है बार बार। फिर ए को चलाएंगे 1 मिनट, फिर बी को चलाएंगे, फिर ए को चलाएंगे, फिर बी को चलाएंगे। तो आप जरा ये बताओ, इस बॉक्स को जो रिपीट हो रहा है इसको बॉक्स में लिखो, 5 लीटर जमा हुआ, अगले मिनट 3 लीटर खाली हो गया, तो एक्चुअल में कितने लीटर जमा होगा। आप ऐसे समझ लो, आपने 5 रुपए कमाए और 3 रुपए खर्च कर दिए, कितने बचे, 2 ही बचे, यानी कि टंकी में 2 मिनट में सिर्फ कितना पानी जमा हो पाएगा। भाई समय कितने मिनट का लगा, 2 मिनट या 1 मिनट, 1 मिनट ए चला है और 1 मिनट, दोनों को साथ में नहीं चला सकते, अलग अलग चलाना है। पहले ए को चलाएंगे, फिर 2 मिनट में कितने लीटर पानी जमा होगा और हमें कितने लीटर करना है, तो 60 लीटर जमा होने में कितना समय लगेगा। अगर 2 लीटर पानी भरने में 2 मिनट का समय लग रहा है, तो 60 लीटर जमा करने में कितना समय लगेगा। कौन सा वाला गणित लगाएंगे, दो मिनट में 2 लीटर, अच्छा बिल्कुल भी सही, 2 लीटर में कितना मिनट टाइम लगता है, 60 लीटर पानी जमा करेंगे तो जो आप हिसाब लगा रहे हैं उसके हिसाब से 60 मिनट आना चाहिए, समझ गए ना, 30 मिनट कैसे आ गया, आधा थोड़े आया। अब मैं जो समझाऊंगा वो समझो, ये बिल्कुल ही गलत है। आपने रीजनिंग में एक सवाल पढ़ा होगा, बंदर पर, बंदर 1 मिनट में ऊपर जाता है 5 मीटर, अगले मिनट 3 मीटर नीचे गिर जाता है, फिर 5 मीटर ऊपर जाता है, फिर 3 मीटर नीचे गिर जाता है, वो भी तो अल्टरनेटिव वर्क कर रहा है। आपसे पूछा जाता है बंदर उस खंभे के टॉप पर कितने समय में पहुंच जाएगा, वो सवाल है, बिल्कुल समझ लो, ये भी सवाल है, उसी हिसाब से आप इसको समझ भी पाएंगे। तो मैं ये बात जानता हूं कि 2 लीटर पानी जमा करने के लिए आपको 2 मिनट का समय खर्च करना पड़ेगा, पहले मिनट में 5 लीटर जमा होगा, अगले मिनट में 3 लीटर खाली हो जाएगा। तो जितना आप पहले मिनट में जो पॉजिटिव वर्क है वो अलग कर दिया करो इसमें से, वरना हमेशा रोता था करो, इसमें से पॉजिटिव वर्क अलग करो, कितना पॉजिटिव वर्क, कितना 5 अलग कर दिया। अच्छा एक चीज आपको पता है, 2 लीटर का मल्टीपल चाहिए तो यहाँ बचेगा कितना, 55 तो बचेगा, 60 को मैंने दो अलग अलग पार्ट में पॉजिटिव वर्क में यहाँ से क्या करना है, अलग कर लेना है। तो पहले मिनट में पॉजिटिव वर्क कितना है, 5, 5 यूनिट अलग कर दिया, बचा कितना, 55 2 से कट जाएगा क्या, 2 लीटर से 55 लीटर काट सकते हो, तो 2 लीटर से ये कट जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा 54 लीटर। पहले हम 54 लीटर को टारगेट बनाते हैं, उसके बाद कितने लीटर और भरना होगा, अगर 54 लीटर भरने के बाद 6 लीटर और जमा कर ले तो काम बन जाएगा। 54 लीटर जमा कर लो, उसके बाद जो बचा हुआ 6 लीटर इस पॉजिटिव वाले से ज्यादा रह जाना चाहिए, काम कम ना रहे इससे, अगर यहाँ कम बच गया तो आंसर गलत आएगा। अभी हमारे हिसाब से 60 मिनट आ रहा है आंसर, अब बदल जाएगा। देखो 2 लीटर पानी जमा हो रहा है और समय लग रहा है 2 मिनट, मैं इसी को 54 बनाना है, तो अगर 54 बनाएंगे तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर आपको 54 लीटर जमा करना है तो यहाँ पर भी आपका जो समय है वो 27 गुना लगेगा, कितने मिनट का समय लगा,
54 लीटर पानी जमा करने के लिए आपको जो समय लगेगा वो कितना लगेगा? यहाँ तक मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि 54 लीटर के लिए मैंने बता दिया कि आपको जो समय लगेगा वो कितने मिनट का लगेगा। अब अगर आप 60 मिनट का हिसाब लगा रहे हैं तो वो गड़बड़ है। अगली बार बारी किसकी आएगी? 54 लीटर के लिए तो आपने बता दिया कितने मिनट लगेगा, अब बारी किसकी है? बारी किसकी है और काम कितना बचा है? 6 लीटर। तो एक ही अगर बारी में बताता नहीं तो एक कितने लीटर पानी जमा कर सकता है? 5 लीटर जमा कर देगा भाई। एक ही अगर बात करें तो एक कितने लीटर पानी जमा करेगा और कितने मिनट के लिए चलाया जाएगा एक को? उसके बाद अभी भी भरा नहीं गया, कितने लीटर बचा? 1 लीटर तो अभी भी बचा खाली। हमने क्या किया, 55 मिनट में 54 प्लस 5 कितने लीटर पानी भर लिया? 59। अभी केवल समझ लो, अब बचा हुआ 1 लीटर है और बारी किसकी? अब ये बताओ कि बी क्या जमा करेगा? खाली करेगा। तो बी तो खाली करेगा। अब यहाँ आप फंसोगे, आपको कहेंगे 54 सॉरी कितना जमा हो चुका है, खाली कर दो कितना। बी की क्षमता कितनी है? अरे बी की क्षमता 3 लीटर खाली करने की है। 59 में से 3 खाली कर लिया, कितना बचा? 56 बचा। अब 56 बचा है तो अब आपको अगली स्टेप में पूरा हो जाएगा हिसाब, कितना जमा करना है? 4 जमा करना है। अगर आपको 4 जमा करना है तो 4 जमा करने के लिए हमें देखो समय कितना लगेगा, 5 लीटर के हिसाब से 4/5 अगर हम निकालेंगे तो कुल मिला के 4/5 घंटे कितने मिनट होगा? ये तो घंटे में आएगा और मिनट में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा? 48। अब ये पता है जब पेपर में सवाल आएगा ना तो आपके सामने चक्कर नहीं पड़ेगा, या तो 60 मिनट लगाएगा। अगर किसी ने नहीं किया पहले सवाल तो 60 मिनट लगा के आएगा, कोशिश करिए बना के। अब सही अप्रोच लोग कर रहे हैं, ये तो सब चीज होगी। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि अल्टरनेटिव चलाएंगे तो 2 लीटर पानी जमा होगा कितने मिनट में? 2 मिनट। 2 लीटर पानी कितने मिनट में जमा होगा? 2 मिनट। पूरा 60 लीटर एक साथ जमा नहीं कर सकता, इसकी पॉजिटिव वैल्यू कितनी है? 5 लीटर। ये 5 लीटर ही जमा कर सकता। अब मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था कि जितना आप यहाँ पर देखें, जैसे 2 लीटर के बारे में फिक्स हिसाब है, 2 लीटर के बारे में फिक्स हिसाब है, कितने मिनट का टाइम लगेगा, कितने लगेगा, तो आप हिसाब ऐसा बनाएं कि आपको दिक्कत ना हो। जैसे 60 लीटर हमारा टारगेट है तो 2 लीटर का कोई भी मल्टीपल देख लो, जो पॉजिटिव बल्क हमारा 5 है तो ये बच जाए। तो हम पता है सबसे पहले कितना काम करेंगे? 54 लीटर। अभी मैंने बताया 54 लीटर में आपको सीधा सीधा पता है कितने मिनट लगेंगे, 54 लीटर में सीधे सीधे कितने मिनट लगेंगे? 54। उसके बाद बारी किसकी है? तो एक का काम क्या है, जमा करना, कितना जमा करेगा? बारी एक ही है और एक कितना जमा करेगा? 5 लीटर। और कितना समय लेगा? 54 प्लस 5। अब टैंक में कितना हो गया? बारी किसकी आई अब? लेकिन बी तो और कम कर देगा, बी कितना कम करता है? 3 लीटर। कितने मिनट में? 1 मिनट और खर्च हो गया। फिर से 59 में से 3 घटाया, अब टैंक में पानी कितना है? 56। टैंक में पानी कितना है? फिर बारी किसकी आएगी? ए की बारी आ गई, बी की भी आ गई। तो आपको पता है अल्टरनेटिव चलने का मतलब फिर से बारी किसकी आएगी? ए की आएगी। आप बताइए ए की तो बारी आएगी अगर ए को पूरे मिनट के लिए चला। आपको टारगेट कितना है? 60 लीटर जमा करना है, कितना जमा हो चुका है? 56 लीटर जमा हो चुका है। अब अगर 60 लीटर आपको जमा करना है, टारगेट कितने लीटर का है? तो केवल आपको ए के द्वारा काम कराना है और ए को कितने लीटर? 4 लीटर जमा कर दे। ए से कितने लीटर जमा कर दे? पूरा 5 लीटर जमा करेगा तो पूरा मिनट लगेगा। पूरा 5 लीटर जमा करने में पूरा मिनट लगेगा, लेकिन सिर्फ कितना काम बचा? 4। तो 4 लीटर में कम लगेगा टाइम या ज्यादा? बताओ टाइम कैसे निकालते हैं? वर्क अपॉन, तो कितना काम है आपके पास? सिर्फ 4 लीटर। और आपकी क्षमता कितनी है? 5। तो 4/5। अगर आप इन तीनों को जोड़ लें, सबको जोड़ लें तो टोटल कितना टाइम हो गया? 54 और एक 55, 55 और एक 56, और कितना इधर 4/56। सही, 4/5 मिनट में आप इस टैंक को भर लेंगे, ना कि 60 करके देखना। एक सवाल अभी होमवर्क में देने का बना के लूंगा, इतना आसान भी नहीं है जितना आपको लग रहा हो। अगर 60 मीटर का कोई 60 मीटर की कोई खंभा मान लो, 60 मीटर का
बंदर वाला सवाल आता, वो भी ऐसे ही होता कि बंदर पहले मिनट 5 मीटर ऊपर जाता है, अगले मिनट 3 मीटर। आप उसका आंसर निकालना यही आएगा, क्योंकि नीचे आने का मतलब नेगेटिव, ऊपर जाने का मतलब पॉजिटिव। तो सेम सवाल ही है, आप इसी में भी काम करें। क्या हुआ, ऊपर से निकल गया? खाली करने के लिए कहते हैं, और खाली करने वाला नल ही पहले चलाया जाता है। खाली करने वाले की संख्या ज्यादा होती तो टंकी कभी नहीं भरी भर पाती। ये 5-3 लीटर जमा करता, ये 5 लीटर खाली करता। इस हिसाब से तो टंकी कभी नहीं भरी जाएगी। जैसे हम लोग लगाते हैं कि ये 5 लीटर जमा कर रही, 3 लीटर टंकी पूरी भर जाएगी, और बी को खोल दोगे। अगर टंकी पूरी भर जाएगी, बी को खोल दोगे, तो क्या टंकी फिर से खाली नहीं हो जाएगी? फिर भरो, फिर खाली करो। और ये एक चीज ध्यान रखना, जो सबसे पहले, जैसे अगर टंकी भरी जा रही है तो पॉजिटिव वाला लास्ट में काम करेगा, तो यहाँ पर ए का पॉजिटिव बल है, तो सबसे लास्ट में कौन काम किया है? एंड कभी बी पे नहीं हो सकता। अगर बी पे एंड करोगे तो टंकी कभी नहीं भरी जाएगी, बी तो खाली कर देगा। अब सोचो इसके बाद टंकी भर गई पूरी, मैं फिर से बी को खोल दे रहा हूँ, फिर से खाली हो जाएगी, फिर ए को चलाना, फिर बी को खोलना। आपको क्या लगता है पेपर में है तो कोई क्वेश्चन अगर ओवर है, ज्यादा टाइम लगता है, या फिर आपको लगता है कि इसकी वजह से नुकसान हो जाएगा बाकी क्वेश्चन का, तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, स्किप तो करना पड़ेगा। तो तुम क्या सोच रहे हो 100 में 100 क्वेश्चन करेंगे और 90 पे कटाप लगेगी? ऐसा नहीं होता भाई, कटाप जितने पे लगती है उससे आपको नंबर ज्यादा लाने होते हैं। अब पता लगा एक क्वेश्चन आपका, मैं तो मैथ के मामले में, किसी मैथ वाला जो बच्चा है पीसीएम वाला होगा, उनके अंदर एक बड़ी गंदी हैबिट हो जाती है, क्योंकि वो मैथ पढ़ के आते हैं ना, उनका मुझसे ये सवाल कैसे नहीं हो सकता? बैठे पेपर में ये सवाल होगा कैसे नहीं? 10 मिनट में सवाल बना के आएगी। तो तुम सोचो तो कि एग्जामिनर ने इसीलिए दे दी, तुम्हारा ईगो हट हो तुम उसमें 5 मिनट खराब करो, तो ईगो लेके कभी मत जाना कि हम तो सारे के सवाल बना के आएंगे। मैं सीखो के चक्कर में कई बार वो नुकसान हो जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। सवाल पेपर में आ गया, गलत सवाल आ गया, ऑप्शन गलत आ जाएंगे, आप उस सवाल को ईगो के चक्कर में कर करके 5 मिनट खराब कर दोगे, बाद में पता लगेगा वो सवाल गलत था, उसका नंबर तो सबको मिल गया।
नंबर दे रहा हूँ, पूछ लो भाई, मुझे तो कहा जाता है, मैं बता देता हूँ। क्या कह रहे हो, पढ़ाई की भी बातें कर लिया करो कभी कभी। कौन पूछ रहे कौन उधर वाले लाइन में मैंने उस दिन जब उससे कहा गया तो मैंने बता दिया, उन्होंने कहा कि जो रेगुलर बच्चे रहेंगे उनको आई कार्ड मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है, अटेंडेंस हो सकती है, जो रेगुलर रहेंगे उनके नाम नोट कर लूँ। तीन टाइप के बच्चे होते हैं क्लास में, मतलब रेगुलरिटी और प्रेजेंटिंग वाले। एक तो वो कि जो जनरली ज्यादातर आने की कोशिश करते हैं, कभी कभी नहीं आ पाते। एक वो जितने दिन सब लोग आते हैं उतने दिन वो नहीं आते, मतलब 10 दिन आ गए 90 दिन। और दूसरे वो जो आते तो हैं लेकिन उनके प्रेजेंट होने ना होने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो तीन टाइप के बच्चे होते हैं। देखो तुम्हारा मतलब कहते हैं तुम टाइम खर्च कर रहे हो, बैठ रहे हो यहाँ पर, तो कम से कम ये है कि मैं तो नहीं कह रहा कि तुम पहले दिन में कि सुपरमैन बन जाओगे कि मैथ्स कुछ रही नहीं जाएगा तुम्हारे लिए। आपके अंदर अभी 100% प्रॉब्लम है, कुछ नहीं आता आपको। मैं कह रहा कि 8-10 दिन पढ़ के तुम्हें 1% भी अगर समझ में आ गया तो प्रॉब्लम कम हुई, बड़ी थोड़ी ना तुम्हारी घटेगी धीरे धीरे। अब तुम ये सोच रहे हो कि हमने अगर कोई चीज शुरू से लेके अब तक जानी नहीं, बाकी बच्चे हमसे पहले से 50-60% आ गए, तो उनके बराबर पहुंचने के लिए उनसे 50-60% मेहनत को ज्यादा करके देखो। हम तो ये भी कह रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है कि मैथ्स इन्हें नहीं आती उनकी नौकरी नहीं लगती है, जिसको मैथ नहीं आती उन्हें जॉब नहीं लगती उनकी। ऐसे जाने कितने एग्जाम जिनमें मैथ आती तक नहीं, उन्हीं में से आपका और भी नहीं, यूपीएससी करो मेहनत। जिनको मैथ नहीं आती वो मैथ में तो पीछे होते ही है, और बाकी सब्जेक्ट में पीछे नहीं होना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट में उतना लीड बना, अगर हम किसी एक पार्ट में 10 क्वेश्चन किसी से पीछे तो दूसरे सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन आगे भी तो निकले। क्योंकि आपका ये जो कंपटीशन वाला फील्ड है, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप 90% नंबर लाके भी हो सकता है सिलेक्शन की लिस्ट में ना हो, और हो सकता है कि 35% नंबर ले आओ और सिलेक्शन हो जाए। डिपेंड इस बात पे करता है बाकी लोगों ने कितना पेपर सॉल्व किया। आपके नंबर बाकी लोगों से ज्यादा होंगे आप सिलेक्ट होंगे, बाकी लोगों से तुम्हारे 90% आए, 91-92% वाले बहुत मिल गए तो वो तुम्हें क्यों लेंगे, जब होती नहीं तुम्हारी। जब ग्रुप में काम किया जाता है तो सबको बराबर पैसा मिलेगा, जरूरी थोड़ा है। पैसा किस चीज के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, यानी अगर जैसे दो लोग काम कर रहे हैं, एक को ज्यादा पैसा मिल रहा है एक को कम, सेम काम कर रहे हैं क्यों मिल रहा होगा, आप रीजन बता दो एक व्यक्ति को क्यों ज्यादा पैसा दिया जाएगा, किस बेस पे आप पैसा ज्यादा दोगे। या तो वो काम ज्यादा करता होगा और या फिर टाइम ज्यादा देता होगा, भाई कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा कर रहा होगा जिसकी वजह से उसको पैसा ज्यादा मिला, उसको उसने को पैसा कम मिला। तो यहाँ पर हम लोग केवल यही बात समझेंगे कि जो आपको पैसा दिया जाता है वो किस बेस पर दिया जाता है। देखो पैसा आपको जो दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है, वर्क के बेस पर दिया जाता है। जो आप काम कर रहे हैं काम के हिसाब से तो ये है,
दो लोगों को काम पे लगा दिया। सपोज करो ये चेयर बना ली, एक बंदे ने एक दिन में दो चेयर बनाई और एक ने बनाई तीन चेयर, तो पैसा कौन ज्यादा लेगा? उसने तीन चेयर बनाई, वो काम ज्यादा करा तो पैसा ज्यादा लेगा। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि पैसा किसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, वर्क के अकॉर्डिंग। अब देखो वर्क हमारा दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो टाइम और दूसरी चीज होती है हमारी इफिशियंसी, यानी कि काम करने की क्षमता। ठीक, काम करने की क्षमता दोनों चीजों पे डिपेंड करता है हमारा, जो भी पैसा मिलेगा और टाइम कितना खर्च कर रहे हो और आपकी क्षमता कितनी है, दोनों पर। टाइम और इफिशियंसी का मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो वर्क आता है, तो हम वर्क के अकॉर्डिंग निकालते हैं। अब देखो अगर मैं आपसे कहूं साथ में काम करना है, दो लोग साथ में काम करके गए और काम निपटा के आ गए, जैसे आपने किसी काम को करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया और साथ में गए और करके आ गए वापस, अगर आप काम एक साथ करने गए और वापस आ गए तो जाहिर सी बात है कि सबने बराबर समय ही खर्च किया होगा। जैसे आपने कोई काम करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, दोनों ने दो घंटे में काम निपटाया चले आए, तो आपने भी दो घंटे काम किया। जब दोनों बराबर समय के लिए पैसा खर्च करेंगे बेटा, तो आपको जो पैसा मिलेगा, जो मजदूरी मिलेगी, टाइम से तो मतलब ही नहीं, दोनों का सेम है, आपकी कार्य क्षमता के अनुसार मिलेगी कि आप लोग काम कितना करेंगे। अगर आप काम ज्यादा करेंगे आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, आप काम ज्यादा करेंगे आपको ज्यादा पैसा। फिर केवल किस पे डिपेंड करेगा? इफिशियंसी। सेम होने के सवाल कभी आज तक आएंगे जरूर, तो जो भी बात करेंगे अगर टाइम सेम है तो केवल इफिशियंसी ही आएगी, उसी के अनुपात में क्या बांटेंगे आप पैसा। चलो लिखो जरा सवाल, तो तीन सवाल करेंगे दादा।
एबीसी किसी काम को 15 दिन 20 दिन और 30 दिन में कंप्लीट कर सके, तीनों एक साथ काम करते हैं। भाई एक साथ अगर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है खाली तो कोई भी नहीं बैठा, इसका मतलब टाइम क्या है, इसका मतलब जो पैसा बांटेंगे वो सिर्फ इनकी कार्य क्षमता के हिसाब से बांटना है, तो कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। भाई अगर एक ही बात करें तो ए कितने 15 दिन, बी कितने दिन में 20 दिन और सी कितने दिन में 30 दिन। कार्य क्षमता निकालने के लिए हम इनका एलसीएम टोटल वर्क लेते हैं, एलसीएम हमने जैसे लिया यहाँ पर तो कितना है, तो इसकी क्षमता कितनी आ गई, इसकी क्षमता और इसकी क्षमता, तो ये एक दिन में किया हुआ काम है। एक चार यूनिट काम कर रहा है, सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा पैसा किसे मिलेगा, या सी की जगह ए कर सकते हैं, सब में सी लिखा है जिसमें ए। अब आप देखो अगर एफिशिएंसी की बात करें किसकी, ए बी और क्या आ रही है क्षमता, 4:3। देखो क्षमता का मतलब होता है एक दिन में कौन कितना काम कर रहा है, एक दिन में ए करता है 4 यूनिट काम, बी करता है 3 यूनिट और सी कितना करता है। तो आप ये बताइए कि जब क्षमता का अनुपात 4:3 है, बराबर समय के लिए आप पैसा लगा रहे हैं, बराबर समय तक अगर काम करें तो टोटल कितना बना, जिसमें अगर हम ए की बात करें तो ए का हिस्सा कितना है, 9 यूनिट में ए का हिस्सा कितना है, तो 9 रुपए का अगर काम होगा ना तो 4 रुपए कौन ले जाएगा, लेकिन काम कितने रुपए का होगा, 3600। तो आपने जो वर्क किया है वो कितने रुपए के बराबर किया है, 3600। तो 9 की वैल्यू अगर 3600 होगी तो ए की कितनी हो जाएगी, 9 से 3600 को भाग करो कितना आ जाएगा, 400 रुपए हो जाएगा। भाई एक यूनिट जो वर्क कर रहा है उसको 400 रुपए मिलने चाहिए, किसी काम के 9 हिस्सों के अगर 3600 रुपए मिल रहे हैं तो एक भाग के कितने मिलेंगे, तो अब ए ने कितना किया है 4। तो अगर हम यहाँ पर 400 रुपए के हिसाब से बात करें तो ए के हिस्से में कितने रुपए आ गए, 16। ये आंसर है, कोई मतलब नहीं है कितने काम कितने दिन में होगा, आपको मतलब इस बात से है कि क्षमता का अनुपात क्या है, क्योंकि अगर साथ में ही काम कर रहे हैं तो टाइम तो सेम खर्च हुआ है सबका, पर टाइम सेम खर्च हुआ केवल क्षमता का अनुपात निकाल, ये वाला मैं बता रहा हूँ, उसको आप करके बताएंगे अगली क्लास में, मैं आपसे इसका आंसर पूछूंगा। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, जल्दी बताओ, ए कितने दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, अब ये बोल के आ रहे हैं कि ए तथा बी किसकी सहायता से, सी की सहायता का मतलब ए और बी तो काम करेंगे ही करेंगे, साथ में कौन करेगा, सी। कंफर्म काम कितने दिन में हो पाएगा, 5। आपसे पूछ रहा है सी की दैनिक मजदूरी बताओ, एक दिन में कितने रुपए सी कमाएगा, यही तो बताना है आपको। अगर ये तीनों काम करते हैं तो काम कितने दिन में हो पाया, 5। एलसीएम ले लो 15, 20, 5 का कितना एलसीएम आ जाएगा, 60 ही आ पाएगा, एलसीएम कितना देगा, 60। तो 15 से अगर मैं डिवाइड करूंगा यहाँ 4, 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 और 5 से डिवाइड करो तो कितना देगा। आप मुझे ये बता सकते हैं सी की क्षमता कितनी है, देखो 4 तो है ए की और बी की कितनी है, ए की क्षमता 4 है और बी की क्षमता कितनी है, तो मुझे ए और बी के बारे में तो पता है, ए की और बी की पता है, इसकी 4 है और इसकी कितनी, आपको सी की क्षमता पता कर दी, सी की क्षमता पता कैसे निकालेंगे, तीनों के मिलाने कितनी है क्षमता, तो 4 और 3 कितना हुआ, 7 कितना बचा, इसका मतलब सी की जो क्षमता है वो कितनी है, 5। तीनों की क्षमता का अनुपात क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी तो आप देखो इन्होंने सी की सहायता से 5 दिन में काम पूरा कर लिया, यानी कि टाइम तो सबने बराबर ही खर्च किया है। अगर यहाँ पर भी देखा जाए टाइम कैसा है, 3 लोग गए 5 दिन काम करके चले आए, काम निपटा, तो तीनों ने किया 5-5 दिन का, इसलिए एक ने नहीं किया, तो तीनों ने टाइम बराबर लिया, इसीलिए एफिशिएंसी निकाल दिया। जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा इसी से पता लग जाएगा, एफिशिएंसी का ये रेशियो है, टोटल रुपया कितना मिल रहा है, 6000 रुपये। तो 4 दिन 7 और 5 12, टोटल कितना हुआ, 12 यूनिट काम का 6000 रुपया मिल रहा है। तो एक यूनिट का कितना मिला, 12×5=60, एक यूनिट काम का कितने रुपए मिलेगा, 5। आपको निकालना किसका हिसाब किताब है, सी का, तो सी के हिस्से में कितना है, 5। तो 5 यूनिट 500 रुपए के हिसाब से 2000 कितना हो गया, 500 रुपए। ये हमारा क्या आया, सी का हिस्सा आ गया। अगर आपसे मैं पूछता सी के हिस्से में कितना रुपया आएगा, तो सी के हिस्से में 6000 में से कितना आएगा, 25। लेकिन ये कितने दिन काम किया है, पूछ रहा है एक दिन का, दैनिक मजदूरी होती है एक दिन की, कितनी कमाई, 5 दिन में 2500 रुपए, तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 500 रुपए।
काम की बात समझ रहे हैं, केवल मैं जो बताऊँ वो ए कितने दिन में काम को कर सकता है, 15 दिन, बी कितने दिन में, 20 दिन, अगर ए 15 दिन काम करता तो पूरा पैसा ए का ही होता क्योंकि पूरा काम ही वही करता, बी 20 दिन काम कर देता तो पूरा पैसा बी का, लेकिन काम किया कितने दिन, अगर तीन लोग काम कर रहे हैं कौन कौन, ए प्लस बी प्लस सी, और इन्होंने उस काम को कितने दिन में खत्म किया है, तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि ए ने भी 5 दिन किया, बी ने भी 5 दिन किया और सी ने भी कितना किया, 5 दिन, तो अगर 15 दिन की जगह 5 दिन काम करेंगे तो काम कितना करोगे, अगर 20 दिन की जगह बी ने 5 ही दिन काम किया तो कितना काम किया, टोटल रुपया कितना था, जितना काम करोगे पैसा तो उतना ही मिलेगा, इसने तिहाई काम किया तो तिहाई का मतलब इसको मिलेंगे कितने रुपए, इसने 1/4 चौथाई काम किया तो चौथाई का मतलब हो गया 6000 का चौथाई कितना होता है, 1500, इन दोनों को मिला के कितने रुपए मिल रहे, कितने मिले, तो बचा हुआ किसका है, सी का, सी, तो अगर हमें 6000 रुपए का काम मिला है और ये दो लोग 3500 रुपए लेके चले गए तो सी के हिस्से में कितना आया, 2500, लेकिन इस बात को मत भूलना ये सी का हिस्सा तो है, ये सी का हिस्सा है इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कितने दिन का है, 5 दिन का काम था और 5 दिन में कितने रुपए मिले, 2500, अगर दैनिक मजदूरी पूछ रहा है तो 5 दिन में 2500 रुपए जिसने कमाए होंगे वो 1 दिन में कितना कमाएगा, 500, आंसर हो जाएगा, 500, 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